नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम नई रेसिपी, दही पनीर कटलेट। ये दिखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम ये दही पनीर कटलेट। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पनीर। पनीर मैंने लगभग 250 ग्राम लिया है और इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, मसल लिया है। मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच ओरिगेनो, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, दो कटे हुए प्याज, कटा हुआ गाजर, दो हरी मिर्च और हरा धनिया कटा हुआ बारीक, और दो चम्मच तेल, ब्रेड बारीक वाली सेवइयां। इसके बाद मैंने लिया है दही, दही ये थोड़ी सी खट्टी वाली है, और रिफाइंड ऑयल या कोई भी तेल जिसमें आप फ्राई करते हैं। अब हम सबसे पहले ना कढ़ाई में दो चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें हरी मिर्च से तड़का देंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब प्याज हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसमें डालेंगे गाजर और इसे भी लगभग 2 मिनट तक फ्राई करेंगे गाजर को। अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ये ओरिगेनो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे नहीं डाल सकते, इसकी जगह गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्वाद अनुसार, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें गरम मसाला और आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हम इसे इसके पानी, पनीर के पानी सूखने तक इसे अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि हमारा पानी बिल्कुल सूख न जाए, ये पनीर बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखिए अब ये हो गया। हम इसे गैस बंद करके उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने पनीर मैश किया था इस तरह से, और इसे फैला देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ये ठंडा भी हो चुका है। अब ये तो स्टफिंग की तैयारी हो गई। अब हम दही रेडी कर लेते हैं। तो दही में सबसे पहले हमें डालना है कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ओरिगेनो। इन सबको हम डाल के थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इन सबको डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनता है, आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा ये, और बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे इसे देखकर और इसे खाकर। अब ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया थोड़ा सा पानी डालकर। अब हम इसमें ब्रेड को डुबा लेंगे और इसका पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे, और पानी निचोड़ने के बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। एक चम्मच ये जो पनीर हमने तैयार किया इसको भरकर, और इसे एकदम कटलेट का शेप देके अपना जो मतलब हम जो पसंद करते हैं उसी शेप में इसे बना लेंगे इस तरह से, और इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे। अब हम इसमें जो सेवइयां हैं उसको इस तरह से चारों तरफ लपेट लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से दबा लेंगे। इसी तरह हम सब कटलेट बना लेंगे, ब्रेड को दही में डाल के, पानी उसका निचोड़ के, और इस तरह से स्टफिंग करके, और हम उसे इसे कटलेट शेप देकर बना लेंगे। ये हमारा कटलेट रेडी हो गया। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में हमें तेल गरम करना है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें कटलेट डालेंगे। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। अब हम इसे दोनों तरफ उलट पुलट कर अच्छे से तरफ ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है ये, और बनाना भी देखिए कितना आसान है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना है। आप इसे हरी चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारा कटलेट बना लेंगे।
इसी तरह ब्राउन होने तक हम इसे डीप फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।